हेलो व्यूअर्स, इमरान मोटिव टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। गाइज, आप लोगों ने बताया कि 6000 के अंदर सबसे बेहतरीन सा एक मोबाइल जो कि Redmi6A है, आप ही के डिमांड के हिसाब से मैंने इससे अनबॉक्सिंग करने के लिए लेके आया हूँ। ये भी बताऊंगा कि इसमें क्या पबजी खेल सकते हैं, साथ ही साथ इससे जुड़ी कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह। 6000 के अंदर में बहुत ही अच्छा एक डिवाइस है, तो चलिए इसको अनबॉक्स करके देख लेते हैं, साथ ही साथ इससे जुड़े कुछ फीचर्स जान लेते हैं। तो ये रहा आपका 6000 का Redmi6A, जो कि 6000 में बहुत ही अच्छा एक डिवाइस है, जो कि दूसरे डिवाइस से बहुत ही अच्छा है। 6000 में अगर एक डिवाइस लेने के बारे में सोच रहे हो तो ये फ़ोन आप ले सकते हो, जो कि है Redmi6A, जहाँ पे आपको मिलता है 2GB रैम, 16GB इंटरनल मेमोरी। इससे जुड़े कुछ स्पेसिफिकेशन में बता ले, मैं आपको अनबॉक्स करके देख लेता हूँ। इसका जो प्राइस है 6000 का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। डिस्प्ले की बात की जाए तो 5.45 इंच का HD प्लस आपको इसमें रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। तो ये देख सकते हो आपका फ़ोन, जो कि पीछे की तरफ आपको कैमरा लगा हुआ है। बॉक्स के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक USB केबल, साथ ही साथ एक अडोप्टर मिल जाएगा। इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है 2GHz क्वाड कोर प्रोसेसर है, जो कि मेडियाटेक है, हेलियो A22 प्रोसेसर, मेडियाटेक का A22 प्रोसेसर मिल जाता है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 एम्पियर का एक बेसिक से एडाप्टर दिया गया है। फ़ोन के ऊपर की तरफ लिखा हुआ है आपका 5.45 इंच का HD प्लस डिस्प्ले, साथ ही साथ हेलियो A22 का प्रोसेसर, 3000 mAh का बैटरी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, 2GB रैम, 16GB रोम है इसमें, और आपका जो माइक्रो SD है इससे आपको 256GB तक बढ़ा सकते हो इस मोबाइल में। तो इसका दो वेरिएंट आता है, जो कि 6000 आपका 700 में, और एक डिवाइस आता है जो कि 2GB के साथ 32GB रोम वाला आता है। तो यहाँ पे मैं सेटिंग्स को कर लेता हूँ फटाफट से सेटअप। तो इसका जो कैमरा की बात की जाए तो 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, जो कि अपर्चर आता है f2.2। फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो इसमें बेसिक से एक 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। एंड्रॉयड जो वर्जन है 8.1 है, जो कि बहुत ही बढ़िया है प्राइस के हिसाब से। तो ये वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस इन 6000 में बहुत ही अच्छा एक डिवाइस है। इसका वज़न की बात की जाए तो ये 145 ग्राम लगभग है। इसके जो कलर मैंने लाया है वो गोल्ड है, बेसिकली आपके ब्लू, रोज़ गोल्ड या ब्लैक में आपको अवेलेबल रहेगा, Mi.com से या फिर कहीं पे से आप दुकान से ले सकते हो। तो ये देख सकते हो फ़ोन हो गया है ऑन। तो पीछे की तरफ मैं दिखा देता हूँ, इसके इसमें के साथ आपको 3 स्लॉट मिल जाता है, जो कि 2 SIM Nano, साथ ही साथ माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो। तो इसमें पबजी चलेगा कि नहीं चलेगा, बेसिक से अगर चलाना चाहते हो चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप बहुत से ज़्यादा गेम इंस्टॉलेशन करोगे या फिर अदर्स एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो ज़्यादा इसमें चलेगा नहीं अच्छी तरह से। तो यहाँ पे मैं सेटिंग्स पे दिखा दिया आपको अबाउट फ़ोन पे जाने के बाद। तो कैमरा का थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, जो कि रियर कैमरा है 13 मेगापिक्सल का। तो मैं ऊपर की तरफ ये जो बॉक्स है उसके अंदर एक लेवल होता है, इसी को मैं फ़ोटो खींचा है। तो यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ नज़र आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। तो 6000 में बहुत ही अच्छा कैमरा भी है मानना पड़ेगा। फ्रंट जो है 5 मेगापिक्सल का है, ये मैंने एक तस्वीर खींचा है आप देख सकते हो। ये जूम कर लेता हूँ, जूम के बाद भी अच्छा दिख रहा है। तो ये रहा आपका Redmi6A, जो प्रोसेसर है हेलियो A22 प्रोसेसर है, जो कि मीडियाटेक का है। तो प्राइस के हिसाब से अच्छा दिया गया है, फर्स्ट भी है आपको एप्लीकेशन वगैरह चलाने में फर्स्ट रहेगा। तो बेसिक से अगर एक फ़ोन चलाना चाहते हो 6000 के रेंज में, तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि यह डिवाइस आपको कैसा लगा, रेडमी के तरफ से Redmi6A, आप कौन सा फ़ोन चलाते हो ये भी बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।